तो जी यहाँ पे माँ और वंदना के डैडी कर रहे थे पशुओं का छावा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूप आ रही है देखो, और पशुओं को बांधने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए माँ लगी हुई थी और मैं भी लगी हुई थी, तो गौरी रो रही थी, तो फिर मैं आ गई थी। और गौरी को हो रहा है बहुत ही ज़्यादा फीवर, तो इस वजह से लेट लेट सब काम हो रहा है, और धूप में आपको पता ही है काम करने में कितनी दिक्कत होती है। ये देखो जी गौरी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। और यहाँ पे वंदना के डैडी पेड़ पे चढ़े हुए हैं और रस्सी बांध रहे हैं, और माँ ने पकड़ा दी है, और इन दीदी ने लगाई है झाड़ू, तो ये कूड़ा डालने के लिए आई थी बुग्गी में। और माँ वंदना के डैडी को कह रही थी यहाँ पे बांध ऊपर से को करके, ताकि अच्छे से छांव हो जाए। तो यहाँ पे एक पल टांग दिया है, तो चारों कोने इसके बांध दिए हैं, और एक बल्ली गाड़ी थी जिससे कि अच्छे से छावा हो जाए। और फिर जाना है हमको डॉक्टर के। यो बट्टा है यो बट्टा, इसमें कोई ईंट बना है घर बनाने की। मुंजी लग गई, ये यहाँ मुंजी लग रही है, और ये गोरी तो खेती देख रही है। बाग माम देख कितने आ रहे इसमें। आम का पेड़ तो है अभी हमारे खेत में, है नहीं हमारे खेत में था पहले, अब नहीं है, वो किसी और ने ले लिया। पहले हम खा रहे अगले तो जा फिर तो जी यहाँ पे हम डॉक्टर के पहुँच गए थे। तो डॉक्टर के जाके देखा तो डॉक्टर वहाँ पे नहीं थे, तो थोड़ी देर वेट करने के बाद में डॉक्टर आया था। तो फिर दिखाएंगे गौरी को। तो जी थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद में डॉक्टर आ गया था, तो अब डॉक्टर अभी अभी आए हैं, तो अब दिखाएंगे गौरी को तो क्या बताते हैं, देखा देखते हैं। आखी हुआ टी, ये राजा मेरे पास बैठ जाके।
अनि सुई लग देगी। हाँ बब्बा जी सुई लगा देंगे। ये पानी उबाल के ठंडा करके उससे दवाई दे, ठीक है। जी गौरी को दवाई दिलाने के बाद में हम चल देते बाजार में। तो बाजार में था थोड़ा सा काम था, तो ये था कि बच्चों को जो है कपड़े वपड़े लेने थे थोड़े से। तो गर्मी आ गई है, बच्चों के लिए कच्चा बनियान और भी बहुत सारी ज़रूरत का सामान होता है बच्चों का, तो वो ख़रीदना था। तो हम चल दिए हैं बाजार की ओर। तो चलो जी अब ख़रीदारी करेंगे थोड़ी सी। तो वैसे तो गौरी की तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन जो ज़रूरी सामान है वो तो लेना ही पड़ेगा। तो काफ़ी दिन से सोच रहे थे बाजार आना, लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा था वंदना के डैडी का, और बच्चों के साथ में इतनी धूम में निकलने का घर से मन नहीं करता। तो इस वजह से मैं अकेली नहीं आ रही थी, रिक्शा में आ जाती, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और गौरी बहुत ज़्यादा छोटी है और परेशान करती है, और पीहू जहाँ कहीं पे भी कुछ भी खिलौना देख लेती है वहीं पे जिद करने लगती है। तो दो दो बच्चों को एक साथ बाजार ले जाके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और वंदना के डैडी और मैं दोनों गए थे, तो इसलिए एक को वंदना को वंदना के डैडी ने ले लिया था और गौरी को मैंने। तो देखो बाजार में ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी भीड़, निकलने की भी जगह नहीं है। तो वंदना के डैडी गए हुए हैं कहीं छीट में बाइक खड़ी करना है, पीहू बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही ना यार बच्चों के साथ में। सामान खरीदना भी मुश्किल होगा बहुत जोर की। डैडी को आ जाने तो चाउमीन खाओगे। देखो जी कितनी भीड़ है, अब खरीदना है थोड़ा तो सामान, बच्चों के कपड़े वगैरह। तो कपड़े तो खरीदने पड़ेंगे जब हम बाजार आए।